डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने 212 वैकेंसीज निकाली हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, जिनमें तीन पोस्ट हैं। एक है आपकी साइंटिफिक ऑफिसर ग्रेड ए, देन वी हैव साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड बी, एंड देन वी हैव टेक्नीशियंस ग्रेड सी। आपकी ये जो एग्जामिनेशन है कंडक्ट की जा रही है बाय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र। ये जो तीन आपकी पोस्ट्स हैं वो मैंने आपको बता दी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर हम देखें तो 181 टेक्निकल ऑफिसर्स में है, साइंटिफिक असिस्टेंट में 7 और टेक्नीशियंस में 24। ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी टाइप ऑफ ये पोस्ट हैं। पे लेवल टेक्निकल ऑफिसर्स का लेवल 10 का होता है, साइंटिफिक असिस्टेंट का लेवल 6 और टेक्नीशियंस का लेवल 3 का होता है। पर मंथ आफ्टर सिलेक्शन यू हैव 3 राउंड्स ऑफ सिलेक्शन। पहले आपकी एक रिटन टेस्ट होती है प्रिलिमिनरी, देन यू हैव एन एडवांस टेस्ट, एंड उसके बाद यू आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। आफ्टर यू आर ओवर विद द इंटरव्यू यू आर सिलेक्टेड एज अ साइंटिफिक ऑफिसर और एज अ टेक्निकल ऑफिसर, एज अ साइंटिफिक असिस्टेंट और अ टेक्नीशियन। आपकी जो पे बैंड होती है फॉर टेक्निकल ऑफिसर्स इट इज लेवल 10, जिसमें पर मंथ आपको 56,100 रुपीज प्लस एडेड अलाउंसेस मिलती हैं। इफ यू आर साइंटिफिक असिस्टेंट आप लेवल 6 के पे स्केल में आते हैं और आपकी पर माह की जो आय होती है वो 35,400 रुपए प्लस अलाउंसेस होते हैं। एंड इफ यू आर अ टेक्नीशियन देन योर पर मंथ सैलरी इज 21,700 प्लस अलाउंसेस। इस वीडियो में इन तीनों पोस्ट के लिए कैसे आप अप्लाई करेंगे, वो क्या क्या स्टेप्स होंगे जिसे आपको फॉलो करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, एज लिमिट क्या है अलग अलग पोस्ट के लिए विद रेस्पेक्ट टू देयर कैटेगरी, वो सारी बातें बताऊंगा। सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगी वो मैंने आपको बता ही दिया है, आगे और भी बातें आपको जानने को मिलेगा। सिलेक्शन क्राइटेरियन क्या होगा, कैसे डिपार्टमेंट आपका सिलेक्शन करती है, मेरिट लिस्ट कैसे निकलता है, एग्जामिनेशन कौन कौन स्टेजेस में होते हैं, मतलब एग्जाम पैटर्न, दिस एंटायर इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन दिस वीडियो। आइए देखते हैं। अब ये जो वैकेंसीज निकली हैं, जो आप 212 वैकेंसीज देख रहे हो, ये तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू हो रहा है। कुछ ऐसी भी वैकेंसीज हैं जो ट्रेनिंग स्कीम के अंतर्गत कैंडिडेट्स को एनरोल किया जाएगा, दे विल बी ट्रेन्ड एंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड यू विल बी गेटिंग अ स्टाइपेंड एज वेल। जो ट्रेनिंग स्कीम है वो 2 साल की है, पहले साल में आपको 24,000 रुपए मिलता है कैटेगरी 1 में और दूसरे साल में 26,000 रुपए स्टाइपेंड मिलता है कैटेगरी 1 में ही। कैटेगरी 2 में 2,946 वैकेंसी हैं जो कि ट्रेनिंग स्कीम के अंदर आ रहे हैं, पहले साल में उनको 20,000 रुपए मिलेगा और दूसरे साल में 22,000 रुपए। कैटेगरी 1 के लिए वैकेंसीज 1216 हैं, कैटेगरी 2 के लिए 2,946। अब वैकेंसीज की डिटेल्स के ऊपर हम बात करते हैं कि कौन कौन से ट्रेड में वैकेंसीज आई हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा बायोसाइंसेज, लाइफ साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर ग्रेड ए टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट। आपकी कम से कम एमएससी इन साइंसेज, वेदर इट इज प्लानिटरी साइंसेज, केमिकल साइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, जो भी आपका डिपार्टमेंट रहा है, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, फिजियोलॉजी, वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। मास्टर्स डिग्री इफ यू आर फ्रॉम द लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट तो उसमें आपकी मास्टर्स कंप्लीट होनी चाहिए। इफ यू आर फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सेक्शन तो आपकी बीई या बीटेक एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट होनी चाहिए, ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, वेदर इट इज ऑफ सेंट्रल और स्टेट, लेकिन हाँ कंप्लीट होनी चाहिए। अब कैटेगरी वाइज कितने पोस्ट हैं वो भी मैं आपको बता दूं। फॉर बायोसाइंसेज, लाइफ साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी ना एससी में, ना एसटी में, ना ओबीसी में, ना जनरल में कोई पोस्ट खाली नहीं है सिवाय ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनमें बस एक सीट खाली है, तो जो भी कैंडिडेट्स एप्लीकेबल हैं who belong to the EWS section, they can apply for this single post. Uske baad, for chemistry, we have 1 post in SC, for 3 post in OBC, and 5 post in general. Chemistry ke liye aapki MSc chemistry required hai. For physics, MSc physics required, and general we have 7 seats. In economically weaker section, we have 1 seat, and OBC mein hamare paas koi seat uplabdh. OBC में 4 सीट उपलब्ध हैं, ST में कोई सीट उपलब्ध नहीं है, SC में हमारे पास 2 सीट उपलब्ध हैं। इसके साथ साथ आप पूरी नोटिफिकेशन को देख सकते हो अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या आपकी रिक्वायरमेंट है डिग्री की एंड व्हाट इज द अवेलेबल नंबर ऑफ पोस्ट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, ये आपको यहां पे दिख रहा है फॉर कंप्यूटर साइंस, सिविल, केमिकल, आर्किटेक्चर, फिजिक्स, लेकिन मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है, दैट इज मैंडेटरी। ड्रिलिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेटलर्जी, माइनिंग, सब में आप देख सकते हो बीई बीटेक की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है।
लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस के लिए यहां पे आप थोड़ी सी ध्यान देना कि मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस अगर आपकी कंप्लीट है तो ही एप्लीकेबल नहीं हो, कम से कम मास्टर इन लाइब्रेरी साइंसेस कंप्लीट होने के बाद किसी एक बड़े विश्वविद्यालय में वहां का जो ग्रंथागार है यानी जो लाइब्रेरी है उसमें 4 साल की आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। यहाँ पे क्लियरली मैं ये बता दिया गया है, मास्टर इन लाइब्रेरी विथ 4 years एक्सपीरियंस इन अ रिस्पॉन्सिबल कैपेसिटी इन अ यूनिवर्सिटी लेवल लाइब्रेरी आफ्टर एक्वायरिंग एमलिब, दैट इज मास्टर इन लाइब्रेरी साइंसेस के बाद कम से कम एक बड़े विश्वविद्यालय में जहां अच्छी खासी बच्चों की आबादी है वहां आपकी 4 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, या फिर आपकी मास्टर इन लाइब्रेरी साइंसेस तो है ही और आप अगर नेट क्वालिफाइड हैं इन द सेम डोमेन तो फिर आप एप्लीकेबल हो भले ही आपके पास एक्सपर्टीज हो या ना हो, एक्सपीरियंस हो या ना हो। तो ये एक अच्छी जानकारी थी, ध्यान रखिएगा फॉर दोज एप्लीकेंट्स हु आर फ्रॉम लाइब्रेरी साइंसेस। नाउ अब क्या क्या थोड़ी रिलैक्सेशन मिलती है फिजिक्स आर्किटेक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में, वो जिनकी आंखों से कम दिखाई देती है, दे हैव लो विजन, उनके लिए एक वैकेंसीज है, मतलब दैट दीज वैकेंसीज आर फॉर दोज पीपल हु आर हैविंग फिजिकल डिसेबिलिटीज विथ बेंचमार्क डेफिशिएंसीज, है ना, बहुत ज्यादा कमी या एकदम से मतलब हल्की सी कुछ है वैसा नहीं, मतलब हाँ, मतलब जिसके लिए अगले को रिलैक्सेशन देनी चाहिए अगर वैसी कुछ व्याधियां आपके शरीर में है तो उनके लिए ये कुछ वैकेंसीज आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज एक एक ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सुन कम पाएंगे उनके लिए एक, और जिनकी कम से कम एक पैर में दिक्कत है वो भी 40% से ज्यादा, कम नहीं, 40% से अगर कम दिक्कत है आपको एक पैर में तो यू आर नॉट एप्लीकेबल, ध्यान रखिएगा। लो विजन, विजन लो है मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास से वो बंदा अगर क्वेश्चन पढ़ पाता है देन ओनली इट इज एप्लीकेबल, ऐसा नहीं कि आप थोड़े से दिक्कत के साथ क्वेश्चन पेपर पढ़ पा रहे हैं तो देन यू आर नॉट एप्लीकेबल। इसमें भी अलग अलग क्राइटेरियंस हैं, वो वहां पे दिखा हुआ है, विजुअल एक्टिविटी शुड नॉट एक्सीड 6:18 और लेस देन 20:60, तो ये विजन के रेस्पेक्ट में दे दिया गया है। सुनने की स्थिति के आसार पे आप देख सकते हो, पर्सन हैविंग 60-70 डेसिबल्स हियरिंग लॉस इन स्पीच, 60 से 70 की अगर हियरिंग लॉस है, डेसिबल इज व्हाट, यूनिट ऑफ मेजरिंग साउंड, इंटेंसिटी ऑफ मेजरिंग साउंड, राइट, तो अगर 60-70 डेसिबल की हियरिंग इंपेयरमेंट है देन दैट पर्सन इज एप्लीकेबल। एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटी कम से कम मैंने बताया था 40% से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा अगर है या 40% है तो यू आर एप्लीकेबल। नाउ साइंटिफिक असिस्टेंट, ये तो हो गई हमारी टेक्निकल ऑफिसर ग्रेड ए पोस्ट के लिए, है ना, जिसकी 56,000 सिलेक्शन के बाद आपकी पर मंथ की आय होगी। साइंटिफिक असिस्टेंट यानी ग्रेड बी पोस्ट की हम बात करें तो फूड टेक्नोलॉजी होम न्यूट्रिशन में सबसे पहले क्राइटेरियन क्या है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कब आप एप्लीकेबल हो सकते हैं, तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द साइंटिफिक पोस्ट विथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र या राज्य किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। क्या कंप्लीट होनी चाहिए, कैंडिडेट्स कंप्लीटेड एमएससी एज वेल एज अंडरगोइंग, मतलब टेक्निकल ऑफिसर वाले पोस्ट में तो आपकी कंप्लीट ही चाहिए थी, लेकिन यहां पे जो अभी अपनी मास्टर्स दे रहे हैं दे आर ऑल्सो एलिजिबल, हाँ कि मतलब इंटरव्यू आपकी हो जाती है एंड एट दैट टाइम तक मतलब आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाए तो यू आर एप्लीकेबल। और ऐसा नहीं कि अगर सर अगर ना हो तो आपको अपनी ongoing जो यूनिवर्सिटी की कैंडिडेचर है वो शो करनी पड़ेगी और बीएससी की डिग्री आपको वहां पे दिखानी है, ठीक है ना, अगर समझ लो कि 6-7 महीने बाद अगर आ रहा है रिजल्ट, या फिर आप फर्स्ट मतलब आखिरी ईयर में हो एंड रिजल्ट्स आर अवेटेड या एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट ईयर, देन यू हैव टू शो योर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एज वेल एज द कैंडिडेचर ऑफ योर ongoing मास्टर्स डिग्री, उसको भी आपको पेश करना होगा। देखो यहां लिखा हुआ है कंप्लीटेड एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स शैल प्रोड्यूस बीएससी डिग्री सर्टिफिकेट, जो इंटीग्रेटेड कोर्स में है जैसे बीएससी प्लस एमएससी, है ना, वैसे कोर्सेज वाले अपनी बीएससी की सर्टिफिकेट दिखाएंगे, अदरवाइज जिनका अलग अलग है उनकी इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन प्रोसीजर तक उनकी रिजल्ट्स मिल जानी चाहिए। टेक्नीशियन पोस्ट के लिए मैं बताऊं, बॉयलर अटेंडेंट की एक पोस्ट खाली है जो ग्रेड सी लेवल ऑफ पोस्ट है, उसमें एससी कैटेगरी में 1 सीट है, एसटी में 3, ओबीसी में 6, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 4 और जनरल कैटेगरी में 10 सीट है, टोटल 24 सीट्स यू आर हैविंग इन टेक्नीशियन फॉर टेक्नीशियन पोस्ट। एलिजिबिलिटी क्या है, 10+2 विथ बॉयलर अटेंडेंट की सर्टिफिकेट, सिर्फ 10+2 होने से नहीं चलेगा, सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट होने से ही नहीं चलेगा, इसके अलावा यू मस्ट हैव अ बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट विद यू एज वेल, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, टेक्नीशियन पोस्ट। नाउ
ये तो हो गए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू, जिन्हें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देनी है पेपर वन, उसके बाद एडवांस पेपर देनी है पेपर टू, दोनों में ही 50-50 एमसीक्यू होते हैं, कितने नंबर के क्या आने वाले हैं वो भी मैं बताऊंगा आगे। और थर्ड इज द इंटरव्यू सेक्शन, इंटरव्यू राउंड, द फर्स्ट राउंड इज द प्रिलिमिनरी राउंड, सेकंड इज द एडवांस राउंड, थर्ड इज द इंटरव्यू राउंड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। लेकिन जो ट्रेनिंग स्कीम के अंदर आ रहे हैं उसमें भी मैंने दो कैटेगरी बताए थे, कैटेगरी वन और कैटेगरी टू, जिनकी अलग अलग स्टाइपमेंट्स थी पहले और दूसरे साल में। जो कैटेगरी वन वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूं, जिनकी बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंसेज, लाइफ साइंसेज या बायोलॉजी है इनके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, दे कैन ऑल्सो अप्लाई। वॉट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? ट्रेनिंग इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स विद एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ सेंटर और स्टेट, सेंटर या स्टेट के द्वारा कम से कम एक अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी के तरफ से आपकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए या कंप्लीट होनी चाहिए। डिप्लोमा शुड बी 3 years आफ्टर SSC और 2 years आफ्टर HSC या ITI के बाद कम से कम 2 साल की या 3 साल की आपकी डिप्लोमा होनी ही चाहिए। डिप्लोमा होनी चाहिए 3 साल, कब? 12th 12th क्लास के बाद। और अगर आपने ITI वगैरह किया होगा 10th के बाद तो आपको 2 साल की डिप्लोमा चाहिए होगी। कंप्लीटेड MSc इंटीग्रेटेड कोर्स एंड अप्लाइंग BSc कैंडिडेट्स अंडरगोइंग या जो MSc कर रहे हैं, ये सारे एप्लीकेबल ऑटोमेटिकली होंगे। एंड अप्लाइंग फॉर कोर्स कोड TR1 to TR6, मतलब बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर, यहां तक जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट दिखानी है, बिकॉज इनके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज ग्रेजुएशन। उसके बाद कोड 7 के बाद, यानी केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेटलर्जी, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, सिविल एंड ऑटोमोबाइल, इसके लिए बस डिप्लोमा ही रिक्वायर्ड है। आप देख सकते हैं यू नीड अ डिप्लोमा डिग्री इन द सेम डोमेन, उसी डोमेन में अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री है देन यू आर एप्लीकेबल। नंबर ऑफ वैकेंसीज इंडस्ट्रियल सेफ्टी में आप देख सकते हैं टोटल 3 है, SC में 1, ST में 1 और जनरल में 1, ठीक है। और ये जिनके पास डिफेक्ट्स हैं किसी भी तरीके की, अगर शारीरिक विकार हैं आप में, भले ही आप कान से कम सुन रहे हैं या देख नहीं पा रहे हैं या फिर आपकी लोकोमोटरी डिसेबिलिटी है, मतलब आपके लोकोमोशन किसके वजह से होते हैं, हाथ पैर की वजह से होते हैं, तो अगर एक हाथ या एक पैर में कोई दिक्कत है कम से कम 40% से ज्यादा, तो उसके लिए ये सारी वैकेंसीज आपको दिख रही है ना, सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, हॉर्टिकल्चर, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोसाइंस, सब में ही रिलैक्सेशन ट्रेड वाइज आपको दे दी गई है विद रेस्पेक्ट टू any defects if you are having in your body। अब जो category 2 stipend वाले हमारे applicants हैं, उनकी requirement क्या है? SSC यानी 10 plus 2 with science and maths और कम से कम 60% marks होना चाहिए। इसके अलावा trade certificate and respective trade, जो भी आपकी trade होगी, whether it is electronic, mechanic, electrician, tool maintenance and mechanic machine, welder, turner, machinist or fitter, किसी भी डोमेन में आपके पास ये ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आफ्टर योर प्लस टू डिग्री, देन यू आर एप्लीकेबल फॉर दीज पोस्ट अंडर ट्रेनिंग स्कीम। ये सारी ट्रेनिंग स्कीम वाली है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली बातें मैंने बता दी है, फॉर टेक्निकल ऑफिसर, फॉर साइंटिफिक असिस्टेंट एंड टेक्नीशियंस। नाउ ये कितने कितने आपके पोस्ट्स हैं, वैकेंसीज हैं विद रेस्पेक्ट टू कैटेगरी, यहां पे दे दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशन मैकेनिक, ड्रॉट्समैन, ड्रॉट्समैन सिविल, मैसन, प्लंबर, कारपेंटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, प्लांट ऑपरेटर, लेबोरेटरी, डेंटल टेक्नीशियन, हाइजीनिस्ट, डेंटल टेक्नीशियन, मैकेनिक, सबकी ट्रेड सर्टिफिकेट आपको देनी होगी। और ट्रेड सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से डोमेन में कौन कौन से आपके ट्रेड सर्टिफिकेट देने हैं आपको, इसके बारे में भी आपको यहां बता दिया गया है। ट्रेड सर्टिफिकेट या तो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट के द्वारा ITI पास आउट वालों को देना होगा, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, या तो 2 years अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के अंदर आप होने चाहिए, या फिर 1 year ड्यूरेशन प्लस NAC, NTC, ITI पास आउट प्लस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, प्लस 1 year ड्यूरेशन NSE में विद मिनिमम 1 year ड्यूरेशन अंडर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के अंदर आपको ये कंप्लीट करना होगा। तो ये 3-4 चीजें हैं जो अलग अलग ट्रेड्स के लिए यहां पे आपको बता दिया गया है। ट्रेड्स आइडेंटिफाइड रिजर्व फॉर PWBD, दैट इज फिजिकल
डिसेबिलिटी विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, है ना, मतलब है, मतलब उसके शरीर में इतनी विकार है कि उसको ये रियायत मिलनी चाहिए। तो वो सारी रियायतें किस आधार पे आपको मिलेगी, कितनी आपकी बॉडी में डिसेबिलिटी है वो कंडीशंस भी दे दिया है, और कितने वैकेंसीज हैं फॉर दोज ट्रेड्स, ये भी आपको क्लियरली इस पूरे नोटिफिकेशन में दे दिया गया है जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से आई है। नाउ एग्जामिनेशन देने के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी जरूरी हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स ट्रेनिंग स्कीम के लिए, ये सिर्फ ट्रेनिंग स्कीम के लिए एप्लीकेबल है, वो जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए नहीं। मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर, मिनिमम वेट 45.5। अगर किसी वजह से आपके शरीर में कोई ऐसी चिकित्सीय इलाज का दौर चल रहा हो तो थोड़ा सा कंसिडरेशन किया जा सकता है, ठीक है ना। रिलैक्सेबल इफ द कैंडिडेट इज अदरवाइज मेडिकली फिट, किसी और तरीके से आप फिट हैं तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स किया जाएगा। एज लिमिट एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन क्लोज हो जाएगा उस हिसाब से आपकी एज लिमिट तय की जाएगी। एज लिमिट क्या है मैं आगे बता देता हूं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए टेक्निकल ऑफिसर मिनिमम एज शुड बी 18, मैक्सिमम एज 35, ध्यान रखेंगे। साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिनको वो तीन एग्जामिनेशन देने हैं, उनकी मैक्सिमम एज 30, मिनिमम इज 18। टेक्नीशियन के लिए मिनिमम 18, मैक्सिमम 25, ठीक है ना। यहां पे तारीख कौन सा है वो दे दिया गया। कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बॉर्न अर्लियर देन इतना एंड नॉट लेटर देन 22/5/2005, 22/5/2005 के बाद नहीं जन्मे होने चाहिए, ठीक है ना, और 1988 के पहले आप जन्मे नहीं होने चाहिए। देन यू आर एप्लीकेबल फॉर टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भी आप देख सकते हैं, टेक्नीशियन के लिए भी देख सकते हैं। फॉर ट्रेनिंग स्कीम द मिनिमम एज इज 19, मैक्सिमम इज 24 फॉर कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स। फॉर कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स मिनिमम एज इज 18 एंड मैक्सिमम इज 22, ठीक है। एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज कितनी मिलेगी, अहम जानकारी है ना। सब यही पूछते हैं कि सर मैं इस कैटेगरी से हूं तो कितना मिलेगा, आप ध्यान दीजिएगा। ओबीसी कैटेगरी वाली को मिलेगी 3 years, एससी एसटी कैटेगरी वाले को मिलेंगे 5 years। फिजिकल डिसेबिलिटी विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज किन कैटेगरी वालों को, जनरल कैटेगरी वालों के लिए उनको मिलेगा 10 years का रिलैक्सेशन। अगर आप ओबीसी हैं और आपके पास फिजिकल डिसेबिलिटी है तो आपको 13 साल मिलेगा, और अगर आप एससी एसटी केडर को हैं तो आपको 15 साल मिलता है। इफ यू बिलोंग टू द एससी एसटी केडर मतलब कैटेगरी, तो आपको 15 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है। लेकिन फिजिकल डिसेबिलिटी वालों को, नॉर्मल एससी एसटी वालों को सिर्फ 5 साल का मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप फौजी हैं, एक्स सर्विसमैन या पैरामिलिट्री फोर्सेस में थे, तो आपने जितनी आयु या जितनी अवधि फौज में गुजारा होगा दैट प्लस 3 years आपको दिए जाते हैं एज रिलैक्सेशन। डिफेंस पर्सनल जिन्होंने युद्ध में लड़ाई किया या किसी ऐसे आक्रांत भरे इलाके में काम करा जिसके वजह से उन्हें भारी शरीर का नुकसान झेलना पड़ा, उनको 45 साल की उम्र दी गई है। और जो फौज में थे किसी दंगे फसाद या किसी युद्ध में उनके बॉडी में डिफेक्ट आ गई लेकिन बाद में उनको ठीक करके डिस्चार्ज कर दिया गया है फ्रॉम द आर्मी, दोज पर्सन्स आर हैविंग एन एज अप टू 50 years। लेकिन आप इसमें तो क्राइटेरिया देख सकते हो, यहां जो है जनरल वाले हैं और यहां एससी एसटी वाले हैं। तो जनरल और ओबीसी आते हैं इस कैटेगरी में जो कि डिफेंस पर्सनल्स हैं एंड दे आर हैविंग डिसेबिलिटीज, उनको 45 साल। जो नॉर्मल हैं और फौज में सर्विस किया है उनकी फौज की सर्विस प्लस 3 साल कैलकुलेट की जाएगी। और जो फौज में सर्विस किया है अपने अंग अंग प्रत्यंगों को भी खोया है इन्होंने और फौज में थे तो उनकी फौज की सर्विस कैलकुलेट नहीं की जाएगी, सीधे उनको 50 साल की रियायत दे दी जाती है अगर आप एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हो। तो दीज आर द एज रिलैक्सेशंस। नाउ और एज रिलैक्सेशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आप एम्प्लॉई हैं तो फॉर ग्रुप सी 40 years है, 45 years एससी एसटी के लिए, और ग्रुप ए और ग्रुप के लिए सिर्फ 5 years की एज रिलैक्सेशन मिलती है। मतलब टेक्निकल ऑफिसर्स और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए सिर्फ 5 साल की रियायत है, ठीक है ना, वो भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं। जो विधवा हैं या फिर जिनकी डिवोर्स हो चुकी है या फिर जुडिशियली जो सेपरेट हो चुके हैं उनको और फिर दोबारा उनकी शादी नहीं हुई, उनको 35 साल की छूट दी जाती है जनरल कैटेगरी में, और एससी एसटी में 40 years, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर भी 35 years ही दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। जहां भी ओबीसी मेंशन नहीं है दैट मींस जनरल एंड ओबीसी आर बिलोंगिंग टू द सेम कैटेगरी। एज रिलैक्सेशन यहां पे दे दिया गया है।
एंड सिलेक्शन मेथड, सिलेक्शन किस तरीके पे होगा, तो सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू, टेक्निकल ऑफिसर का बेसिस मतलब इंटरव्यू में आपकी कैसी परफॉर्मेंस है उस पर डिपेंड करेगा। और इंटरव्यू में जाने के लिए आपको प्रीलिम्स और एडवांस एग्जामिनेशन तो क्रैक करना ही होगा। जो प्रीलिम्स देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बाय कंडक्टिंग कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट इन द कंसर्न डिसिप्लिन इन ऑल इंडिया बेसिस द डिसीजन ऑफ द सेंटर विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकती। दूसरी और अहम बात मैं आपको बता दूं, इन एग्जामिनेशन में पेपर जब आप दे लोगे तो उसकी वो होते हैं ना कि मतलब आंसर के ऊपर अपना क्लेम दबाना कि नहीं कहीं गलती हुई है बोर्ड से, आप एक बार रीचेकिंग के लिए, तो रीचेकिंग वगैरह इज नॉट देयर इन दीज टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस। और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत कोई भी रीचेकिंग अलाउड नहीं है। जो भी डिसीजन एक बार आ गया, जो भी रिजल्ट प्रीलिम्स में बन गई दैट इज फाइनल, एडवांस में बन गई दैट इज फाइनल, जो लिस्ट इंटरव्यू के लिए बन गई दैट विल बी फाइनल। स्टेज वन आप देख सकते हो, टेक्नीशियन टेक्नीशियन दैट इज कैटेगरी बी एंड कैटेगरी टू स्टाइपेंडेड स्टाइपेंडेयरी ट्रेनीज के लिए स्टेज वन, स्टेज टू और स्टेज थ्री सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया। सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, एडवांस टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, तीनों में आप सबसे पहले और दूसरे में देख सकते हो 50-50 नंबर के 50-50 एमसीक्यूज होंगे। देख सकते हैं पहला जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होगी उसमें 50 जो एमसीक्यूज होंगे उसमें 20 क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स के, हर एक सवाल 4 नंबर के होंगे, ठीक है ना, अच्छा 3 नंबर के होंगे और हर एक गलती के लिए 1 नंबर ले लिया जाएगा। तो हर एक सही सवाल के लिए 3 नंबर और गलती किया आपने तो 1 नंबर ले लिया जाएगा। मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन है मतलब 60 नंबर के हैं ये, साइंस 60 नंबर के हैं और ये 30 क्वेश्चन के हैं, मतलब 150 नंबर का आपका प्रिलिमिनरी होगा, 3 करेक्ट आंसर के लिए, -1 नेगेटिव के लिए। ऑल कैंडिडेट्स मतलब सभी को कम से कम 40% आपको सिक्योर करना ही है, ठीक है, फॉर सिलेक्शन, एंड लेस देन 30% इन रिजर्व कैटेगरी, जो ओबीसी एससी एसटी में है उनको 30%। एडवांस टेस्ट में 50 क्वेश्चन फिर होंगे मल्टीपल चॉइस, जिसमें 3 मार्क्स सही जवाब के लिए और 1 मार्क्स गलत जवाब के लिए, ठीक है। जो आपके कैटेगरी वाइज अगर हम रिलैक्सेशन देखें इसमें सेकेंड टेस्ट में यानी एडवांस टेस्ट में, तो जनरल के लिए अगेन इट इज 30 एंड फॉर एससी एसटी कैडर इट इज 20%। तो प्रिलिमिनरी में देख रहे हो कि जनरल के लिए था 40 और एससी एसटी के लिए था 30 और सेकंड में दैट इज एडवांस टेस्ट में 30% रख दिया गया है जनरल के लिए, मतलब लेवल ऑफ एग्जामिनेशन इज गेटिंग टू बी इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट इन द सेकंड स्टेज। और ये रिजर्व कैटेगरी वालों को 20% दे दिया गया है। उसके बाद आपकी स्किल टेस्ट होगी, दैट विल डिपेंड ऑन द कौन सा कैडर आपने चुना है, और उसमें सीधा साधा आपको एक सेटअप दिया जाएगा एंड जस्ट यू विल बी आस्क्ड कि यू शुड गो फॉर द टेस्ट और यू शुड नॉट गो फॉर द टेस्ट, मतलब whether द एक्सपेरिमेंट और द टेस्ट विल हैपन और नॉट हैपन, इस बेसिस पे आपकी स्किल टेस्ट ली जाती है। अब रिजल्ट्स कैसे ये डिक्लेयर करते हैं, क्या आधार होता है इनका रिजल्ट या मेरिट बनाने का, सबसे पहले दूसरे वाले टेस्ट में स्टेज टू में एडवांस लेवल में किसने सबसे कम गलतियां की हैं उनको चुना जाएगा। उसके बाद पहले वाले टेस्ट में किसमें सबसे ज्यादा स्टेज वन में सबसे ज्यादा किसने स्कोर किया है उसको लिया जाएगा। फिर सबसे कम पहले वाले में किसने किया है ये लिया जाएगा। चौथा मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा किसने स्कोर किया है वो लिया जाएगा। उसके बाद सबसे ज्यादा साइंस में किसने स्कोर किया है, क्योंकि प्रीलिम्स में वही मैथ्स और साइंस रहती है, 20-20 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, तो ये आपकी क्राइटेरियन होगी। और आखिरी विथ हायर पॉजिटिव मार्क्स इन साइंस, तो सबसे पहला लोअर इन स्टेज टू, दूसरा हायर इन स्टेज वन, तीसरा लोअर इन स्टेज वन और चौथा मैथमेटिक्स, पांचवा साइंस, ये क्राइटेरियन होंगे आपकी सीट डिसाइड करने के लिए, ताकि आप इंटरव्यू में सिलेक्टेड हैं कि नहीं। और देखो जो मैंने बताया था, देयर इज नो प्रोविजन फॉर री इवैल्यूएशन और रीचेकिंग, कोई रीचेकिंग नहीं होने वाला एग्जामिनेशन देने के बाद। अब कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये रहा वेबसाइट https://barkonlineexamination.com, यहां जाके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर लें। आप क्लोजिंग डेट के पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को भर लेना और जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करनी है उसके बारे में भी बता दूंगा। आपकी जो फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर अपलोड करनी है उसमें फोटो की जो इमेज साइज होनी चाहिए 165x125 पिक्सल्स के बीच होना चाहिए इन जेपीजी एंड जेपीईजी फॉर्मेट एंड शुड नॉट एक्सीड 50 KB, 50 KB के साइज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर की बात करें तो 80x125 पिक्सल्स के बीच होना चाहिए जेपीईजी एंड जेपीजी फॉर्मेट में और 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वैलिड ईमेल और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। यू शुड कीप ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स व्हाइल फिलिंग, ताकि कोई एरर ना करें। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट्स को एक बार फिर से पढ़ ही लें
और एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि अगर एक से ज्यादा आप पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो जो भी दूसरा पोस्ट होगा या तीसरा पोस्ट होगा ऑटोमेटिकली बार कर दिया जाएगा, यानी उसके लिए आपको कैंडिडेचर नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस कितनी फीस भरनी होगी, तो टेक्निकल ऑफिसर्स फीस अमाउंट इज 500 फॉर जनरल कैटेगरी, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड वुमेन। अच्छा, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन के लिए 500 और 150 रखा गया है, ठीक है ना, ऑनलाइन पेमेंट है। एंड टेक्नीशियन के लिए 100 रुपए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन। एंड कैटेगरी, अच्छा ये कैटेगरी उनके लिए है जिनको फीस में रियायत मिली है, जिनको फीस में रियायत मिली है, ठीक है ना। तो कैटेगरी विथ फी एग्जम्पशन, तो फी अमाउंट इज 500 एंड फॉर टेक्निकल ऑफिसर्स, वो भी कब, जब आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी या वुमेन है, अगर आप महिला हैं या फिर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है या फिर आप एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट के लिए 500 रुपए देना है, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 150 एंड इफ यू आर अप्लाइंग फॉर टेक्नीशियन पोस्ट तो आपको 100 रुपए ही देने हैं। स्टाइपेंडरी जो स्कीम है जिसमें कैटेगरी वन और कैटेगरी टू स्टूडेंट्स हैं, उनको कैटेगरी वन के लिए देना है 150, कैटेगरी टू के लिए 100, कब, जब आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी या वुमेन कैंडिडेट्स हैं। फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड चाहे कोई भी परिस्थिति हो, एंड फी शुड बी पेड बिफोर द लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट। कहां कहां एग्जामिनेशन सेंटर्स हो गए, यहां पे दे दिया गया है, अगरतला, अहमदाबाद, अलाहाबाद, अमरावती, वी हैव अमृतसर, एजोल, ईटानगर, बड़ौदा, बेंगलुरु, भागलपुर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, कटक, दमन, देहरादून, दिल्ली, दिसपुर, एर्नाकुलम, करीमनगर, कवरत्ती, कोलकाता, हुबली, इंदौर, इम्फाल, जयपुर, जोधपुर, कांचीपुरम, कानपुर, नागपुर, मुंबई, मदुराई, लखनऊ, कोल्हापुर, लेह, कोहिमा, कोटा, पोर्ट ब्लेयर, पानाजी, नासिक, पटना, पुदुचेरी, पुणे, रायपुर, रांची, रौरकेला, शिमला, शिलोंग, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, उदयपुर, विजयवाड़ा एंड विशाखापट्टनम। ये सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे आपके इस इन दिए गए पोस्ट के लिए फॉर प्रीलिम्स एंड एडवांस टेस्ट। इंटरव्यू राउंड के लिए तो आपको बुला ही लिया जाएगा। कैंडिडेट्स में इंडिकेट देयर चॉइस ऑफ सिटी, अपनी चॉइस ऑफ सिटी आप भर सकते हैं, कोई तीन प्रेफरेंस आपको भरना होता है, वो तीन प्रेफरेंस आप डाल देंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी ऑनलाइन, और जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेते हो और एग्जामिनेशन देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में आते हो, तो आपके पास आधार कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार, अगर आधार कार्ड नहीं ले जा रहे हो तो ई आधार का प्रिंट आउट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, एम्प्लॉयर आईडी कार्ड, एक्स सर्विसमैन कार्ड या कोई भी फोटो बियरिंग आइडेंटिटी आपको लेके जाना है, एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज के साथ, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स के साथ, इनमें से कोई एक आपको एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एग्जामिनेशन सेंटर पे भी ले जाना है। इफ फोटो आइडेंटिटी कार्ड डज नॉट हैव द डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड ऑन इट, तो उसे हम नहीं मानेंगे। तो आप ऐसी ही कोई चीज लेके जाइएगा जिस पे डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड है और वो डेट ऑफ बर्थ आपकी जो स्कूल सर्टिफिकेट है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, उससे एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, ध्यान देना। कैंडिडेट शुड, क्योंकि आपने जब भरा होगा ना तो उनके पास वो परफॉर्मा होगा जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, तो वो एक ऐसे आइडेंटिटी से मैच करेंगे जो एग्जैक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होगा और जिसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन सरकार के पास भी है। कैंडिडेट्स वर्किंग अंडर द सेंट्रल, स्टेट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू शुड सबमिट अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर। अगर वो पहले से ही कहीं कार्यरत हैं तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी पहले से देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आखिर में होगी वंस यू आर सिलेक्टेड आफ्टर प्रिलिमिनरी एडवांस्ड एंड स्किल टेस्ट, तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, वो तो बाद की बातें हैं, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना के हम जरूर बताएंगे। हाँ, इसके अलावा ये तो खैर आप सब करोगे नहीं, लेकिन किसी वजह से अगर आप परीक्षा के दौरान किसी भी मैल प्रैक्टिसेस में पाए जाते हैं तो आपको जेल भेजा जा सकता है और जो भी दंड नियम के अंतर्गत आपको दंड मिलना चाहिए वो अश्योर करा दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर किया जा सकता है, यू कैन इवन बी गिवन टू द पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और फॉरेंसिक्स तक आ जाते हैं इसमें एक्सपर्ट्स, ताकि अगर कोई भी किसी भी लेवल पे आपने छेड़खानी करी होगी। एंड द कोर्ट जुरिसडिक्शन ऑन दिस मैटर विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। ठीक है, स्कोप एंड पीरियड ऑफ ट्रेनिंग क्या क्या रहेगा, कौन कौन से पोस्ट के लिए रहेगा, पे मैट्रिक्स किस में आते हैं, अगर आप स्टाइपेंडियरी ट्रेनी है, ये सारी बातें यहां बता दी गई है। और अहम बात, एक बार जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो सिलेक्शन होने के बाद जो डायरेक्ट जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है वो आपके साथ एक बॉन्ड साइन कराता है 3 साल का। अगर किसी भी परिस्थिति में इस बॉन्ड को आप तोड़ते हो तो आपको इस बॉन्ड अमाउंट का जो वैल्यू है वो पे करना होगा, अदरवाइज यू विल बी पीनलाइज्ड और नेसेसरी
एक्शन मस्ट माइट बी टेकन आफ्टर दैट. बाकी जो जनरल इंस्ट्रक्शन है कि आपको कैंडिडेट्स आंसर कैसे करेंगे, तो दे विल बी गिवन अ चॉइस टू आंसर द क्वेश्चंस इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इंटरव्यू. हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एप्लीकेबल है, मतलब इंग्लिश में भी होगी हिंदी में भी होगी, जैसा आप चयन करना चाहते हैं आप चयन कर सकते हैं. वैकेंसीज जितनी निकली हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो फाइनल और बाइंडिंग है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब मैच करनी चाहिए, एक्सपीरियंस जो मांगा है वो मैच करनी चाहिए. एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आगे परफॉर्मा दी गई है, जो डिसेबिलिटीज के साथ है उनकी भी परफॉर्मा दी गई है. वो सारे परफॉर्मा आपको डाउनलोड करके निकाल के जो भी रेस्पेक्टेड अथॉरिटीज हैं उससे सिग्नेचर और अटेस्टेशन करवा लेना है, सो दैट देयर कैन बी नो सिंगल चांस ऑफ डिस्क्रिपेंसी व्हाटसोएवर इन फिलिंग अप द फॉर्म एंड इन लेटर डेट्स. ठीक है ना, बाकी सारी चीजें तो आपको बता ही दी गई हैं. कॉशन दे दिया गया है कि वेबसाइट विजिट करते रहें, अगर कुछ भी अपडेट्स आती है तो वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसके लिए आप निश्चिंत रहें. अड्डा 24/7 की ये टीम हमेशा आपको रेगुलर अपडेट्स के साथ इन्फॉर्म करती रहेगी ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना आए. और जो इन परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस नोटिफिकेशन में और एक बात बता दी गई है कि जो भी बातें आपको बताई गई जो अंग्रेजी में प्रिंटेड है दैट इज फाइनल, क्योंकि इसका जो अनुवाद हिंदी में किया गया है हो सकता है कि उनमें कोई गलतियां हो, तो अगर हिंदी के अनुवाद में कोई गलती है तो इंग्लिश वाले को ही फाइनल माना जाएगा. तो ध्यान दीजिएगा, नोटिफिकेशन जो इंग्लिश वाली है इसीलिए मैंने आपको पूरा बता दिया. इसके बाद ये सारे आपके परफॉर्मेंस है, जैसे आप ये देख सकते हो एससी एसटी सर्टिफिकेट का. सिमिलरली इफ यू आर हैविंग अ मेडिकल डिसेबिलिटी या बैकवर्ड क्लासेस के लिए सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जो भी आपकी रेस्पेक्टिव सर्टिफिकेट होगी एज पर योर कैंडिडेचर उसे फिल करिए एंड रेडी हो जाइए अपने एग्जामिनेशन के लिए जो कि शेड्यूल हो चुकी हैं. और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने ये सारी नोटिफिकेशन क्लियरली ऑफिशियल प्रेस रिलीज के द्वारा बता दिया है. ऐसे ही मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू.